हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा। मूली का पराठा बनाने के लिए मैं मूली ले ली हूँ, धो के इसको साफ कर ली हूँ। हम इसका सबसे पहले छिलका निकाल देंगे मूली का। देखिए, इस तरह से हम मूली को छील लेंगे। मूली मैंने सारा छील लिया है। देखिए, अब हम कद्दूकस कर लेंगे। उसके लिए हम इस तरह काट लेंगे मूली को पीछे से, और ऊपर वाला तो पकड़ के करेंगे, वो तो निकल जाएगा। हम कद्दूकस करने के लिए ले लेंगे, ये देखिए। इसी तरह से हम कर लेंगे, मोटे वाले पर करेंगे, पतले वाले पर नहीं करेंगे। मोटे वाले से अच्छा लच्छेदार घिस के तैयार होगा मूली। देखिए, इस तरह से हम मूली को घिस लेंगे। देखिए ऐसे, तो मूली हमारा, मैं पूरा कद्दूकस कर ली हूँ। ये कितना लच्छेदार मूली घिसाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, इससे मूली पानी छोड़ देगा अच्छे से। नमक को मिला के हम एक साइड में रख देंगे। हम आटा लगा लेंगे। आप अपने अनुसार आटा ले सकते हैं, जितना आपका मूली है। इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और कोई चीज़ नहीं मिलाना है। और मीडियम आटा लगा लेंगे हम, ना ज़्यादा सख्त लगाएंगे ना तो ज़्यादा नरम। इससे हमारा पराठा अच्छा बनेगा। हम इसी तरह से आटा को लगा लेंगे, गूंद लेंगे आटा को। देखिए, आटा लगा ली मैं, ज़्यादा नरम नहीं है आटा, मीडियम है। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे। तेल लगा के हम आटा को चिकना कर लेंगे, ये देखिए। इसी तरह से लगा के हम चिकना करके इसको ढक के रख देंगे आटा को। थोड़ी देर तक रेस्ट कराएंगे, फिर हम मूली को तैयार कर लेंगे। इसमें से पानी पूरा निचोड़ लेंगे, खूब दबा दबा के अच्छे से पानी निकाल लेंगे। जितना भी हो सकेगा उतना पानी निकाल लेंगे दबा के हम। देखिए, इसी तरह से जितना अच्छे से पानी निकालेंगे उतना अच्छा पराठा बनके हमारा तैयार होगा, भरने में अच्छा रहेगा। ऐसे इसी तरह से हम सारे मूली का पानी निकाल लेंगे। देखिए, मूली में का पूरा पानी मैं निकाल ली हूँ। देखिए कितना अच्छा से हुआ है एकदम। अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाऊंगी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। कलर के लिए मैं मिला रही हूँ, इससे तीखा नहीं होता है। और लहसुन अदरक मिर्ची मैं कूट के ले ली हूँ। आप चाहे तो इसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हो, कूटने से सारा मिल जाएगा पराठा में, अच्छा से पराठा बनेगा। इसे बेलने में भी अच्छा रहता है। इसमें मैं 3-4 लहसुन की कली ली हूँ, 3 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक काट के मैं कूट ली हूँ। आप अपने अनुसार मिर्ची ले सकते हो, जितना तीखा खाना है। और इसमें धनिया ढेर सारा डाल देंगे हम, मिला लेंगे। और देखिए, अब चलिए पराठा बनाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आटा को मल लेंगे, चिकना कर लेंगे, से पराठा हमारा अच्छा बनेगा। और मूली में नमक हम उसी टाइम मिलाएंगे जिस टाइम हम बनाना शुरू कर देंगे, नहीं तो पानी छोड़ देगा। ये पराठा बनाने के लिए देखिए मैं आटा ले ली हूँ। आप जितना बड़ा बनाना आप उसके अनुसार अपना लोई ले सकते हैं। और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और कटोरी के जैसे हम बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और कटोरी के जैसे बना के हम इसमें भरेंगे मूली को। देखिए कितना अच्छा कलर आया है मूली में। और इसी तरह से हम इसको भर के दबाते दबाते हम इसको बंद कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम बंद करके जो एक्स्ट्रा आटा निकलेगा उसको निकाल लेंगे हम। आगे हम इसको थोड़ा थोड़ा, देखिए इसी तरह से दबा लेंगे। थोड़ा सा दबाने से इसे बेलने में सही रहेगा। अब थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे इस पर, फिर उसके बाद बेलेंगे हम। ज़्यादा पतला नहीं रखना है, थोड़ा मोटा ही पराठा को रखना है। देखिए इस तरह से इतना मोटा हम रखेंगे पराठा को।
अब चलिए मैं एक तरह से और आपको बना कर दिखाती हूँ पराठा। इसके लिए दो लोई हम छोटा छोटा बना लेंगे। जो पहले वाला पराठा है उसमें दो भाग में कर लेंगे उतना आटा में, और चपाती के जैसे हम बेल लेंगे दोनों को एक बराबर। ये वाला बहुत आसान रहता है भरने में, पराठा बनाने में। इसी तरह से हम करेंगे, इसको भी बेल लेंगे उसी के बराबर का बेल लेंगे ये भी चपाती के जैसे। अब हम इसमें मूली को भरेंगे और फैला लेंगे अच्छे से, ज़्यादा थोड़ा सा किनारे का हम बचा के रखेंगे। इसी तरह से देखिए फैलाएंगे किनारे किनारे, थोड़ा हम रखेंगे उसको उस पर से चिपकाने के लिए। ये देखिए इस पर दूसरा वाला रख के इसको हाथ से प्रेस करके ऐसे बंद कर लेंगे। ये देखिए ऐसे दबा लेंगे, दोनों तरफ से दबाएंगे हम अच्छे से। दबा के हम सूखा आटा थोड़ा सा लगाएंगे, लगा के इसको बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे। ये वाला आसान होता है बनाने में। इसी तरह से हम पराठा को बना लेंगे। देखिए तवा गरम हो गया है, तवा को अच्छे से गरम कर लेना है खूब, और हम उसको पराठा बनाएंगे। ये देखिए मैं पलट दी हूँ पराठा को, और आप चाहे घी या तेल आपको जिसमें पसंद है उसमें बना सकते हैं। मैं घी से में बना रही हूँ पराठा को, और इस तरफ भी घी को लगा लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से लगा लेंगे, और हम फिर पलट देंगे, फिर इसको दबा दबा के अच्छे से हम पका लेंगे, थोड़ा क्रंची कर लेंगे पराठा को, से खाना में खाने में अच्छा लगता है। देखिए इस तरह से दबा दबा के हम करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। देखिए बहुत अच्छा से पराठा बनके तैयार हुआ है। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे इसको, एक टिश्यू पेपर को निकाल लेंगे। अब हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से सेक लेंगे। आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, आप लोग का कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए पराठा को मैं पलट दी हूँ, अब इस पर घी लगा देंगे। फिर अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। इसी तरह से हम पराठा को बना लेंगे सारे पराठा को, इसको भी दबा दबा के थोड़ा पकाएंगे। देखिए फूल रहा है पराठा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा मूली का पराठा। चलिए अब मैं प्लेटिंग करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मैं प्लेटिंग कर ली एकदम सिंपल तरीके से, मैं हरी चटनी के साथ की हूँ। आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, रायता या सॉस या सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं आप पराठा को। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा से भरा है।